मुझे तो लगा कि तुम अपने पापा के घर हमेशा के लिए रुक गई। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं यहां से हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो, है ना? अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझे भगाकर शादी क्यों की? या फिर सीधा सीधा कहो ना कि बस अब मुझसे मन भर गया है तो माँ की मर्जी का राग लाप रहे हो, है ना? मैं क्या करूं, कितनी बार समझाया मेरे घर वालों को, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरी जिंदगी भर तो मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता ना, तो मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने घर चली जाओ, अपने माँ बाप के पास, और मैं भी अपने माँ बाप के पास जाता हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद ये कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं और तुम यहां से जाना चाहते हो ताकि तुम उनकी मर्जी की लड़की से शादी कर सको। घर वाले तुम्हें क्यों नहीं अपना रहे हैं ये भी तो सोचो। तो तुम इसका दोषी भी मुझे ठहरा रहे हो कि मैं गलत वो हूं, सब मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ना अच्छे से पता चल गया कि तुम किस तरह के आदमी हो। अच्छा आदमी नहीं हो तो छोड़कर चली जाओ ना। कहाँ चली जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? बाप के घर या कहीं और, बस मुझे माफ करो। वो कहते हैं ना कि लड़की अपने पति में अपने बाप की परछाई देखती है, मुझे ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में लगता है मैंने कुछ कुछ ज्यादा ही देख लिया। आगे एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, कुछ कर बैठूंगा मैं।